ओ बेटा श्रवण पानी डूपिला वन में बेटा प्यास लगी लोटो ले बोले मां थोड़ी देर बैठो मैं ओ गयो और ओ आयो पाछो आप थोड़ी थोड़ी घड़ी बैठो। अब देखिए श्रवण कुमार जंगल में गयो चारों तरफ पानी ढूंढ रहे हो पर जंगल में न तो कोई कुआ है न कोई बावड़ी है न कोई तालाब है कोई नाडोलियो है न कोई नाडी है कुछ भी नहीं है। श्रवण कुमार जंगल में पानी की तलाश कर रहे हो ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समुद्र तड़ा ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समुद्र तड़ा ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समुद्र तड़ा ना कोई है कुआ बावड़ी ना कोई समुद्र तड़ा। तब श्रवण ने मन में सोची कहाँ जड़ पाऊ मारी माई मन में बेटा प्यास लगी बेटा श्रवण पानी डो पिलाई मन में बेटा प्यास लगी पंचम चारों तरफ ढूंढ लिया पर पानी नहीं मिलो। श्रवण कुमार मन में बड़ो उदास हो गयो कि मारी माँ मने काम बढ़ायो और बे प्यासा बैठा है मैं कैसो अभागो है कि पानी नहीं पिला पा रहे। मन में हताशा हो गई निराशा हो गई ना कोई ये कुआ बावड़ी ना कोई संबंध तड़ाब। तब श्रवण ने मन में सोची कि कहां जल पाऊं मारी माँ की कर लिया जल में पानी है ही नहीं तो पिलाऊं काई। तभी बहुत दूरी पर आकाश में श्रवण कुमार कुछ पक्षियों ने उड़ता हुआ देखा कोई हंस है कोई बुगला है कोई बतख है अलग अलग रंग का पक्षी उड़ रहे आकाश में। श्रवण कुमार ने मन में लागो
कि पक्षी उड़ रहा है इसका मतलब उठे कटी कुछ नीचे कटी पानी की जगह है। यदि पक्षी जटे हंस उड़ रहा है, जटे जल रहा जीव उड़ रहा है, तो पानी है तो जल रहा जीव है। और आगे जार देखे ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़िया, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़िया, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़िया, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़िया। तब श्रवण ने मन में धारी, तब जड़ पाव मारी माई, वन में बेटा क्या से वो बेटा श्रवण पानी रोक लाई, वन में बेटा क्या से ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ आए। आगे जार देखे तो सरयू नदी बह रही है, कल कल छल छल करती है। श्रवण की खुशी को ठिकानो नहीं है कि कितना भाग है, कि पानी मिलियो तो भी सरयू रो मिलियो। धीरे 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 श्रवण कुमार बड़ी खुशी में उतावलो हो तो वो श्रवण नदी की तरफ आगे बढ़ रही हो। जंगल में अवधपति अयोध्या रा राजा राजा दशरथ शिकार खेलने वास्ते आयोड़ा। वे एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था, हाथ में तीर और धनुष निशानों साजोड़ो हो। मन में वो सोच रहे कि कोई जंगली जानवर आज मिल जाए, कोई शेर चीतो मिल जाए तो आज तो शेर को शिकार करूला, ऐसो भावरत राजा दशरथ खड़ा। शरण कुमार अपनी मस्ती में धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहे हो और देखिए क्या हुआ। ले झाड़ी अब श्रवण चालो आयो सरवर के पास, ले झाड़ी अब श्रवण चालो आयो सरवर के पास, ले झाड़ी अब श्रवण चालो आयो सरवर के पास, ओ ले झाड़ी अब श्रवण चालो आयो सरवर के पास। शरण कुमार धीरे धीरे जो बढ़ो तो नीचे जमीन पर कोई पेड़ पत्तोरा, जो पेड़ पौधों का जो पत्ता था वह सूखोड़ा पत्ता धरती पर पड़ा। शरण कुमार चले हो तो वे सूखा हुआ पत्तों पर जब चले हो तो वे पत्तों की आवाज हुई। राजा दशरथ ने लागो कि कोई जंगली जानवर नदी की तरफ पानी पीने वास्ते बढ़ रहे हो। शरण कुमार धीरे धीरे जार जो ही नदी के किनारे सरयू माता ने प्रणाम करो और जो ही लोटो ने डुबोयो, राजा दशरथ को पूरा भ्रम हो गया कि कोई न कोई जंगली जानवर पानी पीने वास्ते आ गयो। और इसी ताक में श्रवण कुमार तो पानी भर रहा है और राजा दशरथ जाए नीर छकोरियो रे दशरथ मारो शक्ति मान, वन में बेटा क्या से वो बेटा श्रवण पानी डोप लाई, वन में बेटा